आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हो? देखते हो, बंद कर दो। कुछ नहीं रखा है अब न्यूज़ में, कुछ सच नहीं दिखाते हो न्यूज़ वाले। वो पूरी टीवी स्क्रीन में ना सिर्फ वो टाइम ही है जो सही रहता है, बाकी सब झूठ है। याद है आपको वाला टाइम व्हेन मीडिया यूज्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? याद है वो जीसस की मौत से पहले का जो टाइम था? इतनी पुरानी बात है भाई, क्योंकि अब तो बस पीआर टूल है सरकार का, जिसकी गवर्नमेंट है उसकी वाहवाही होगी, बाकी सबकी माँ बहन। कभी सुना आपने केजरीवाल की कोई पॉजिटिव न्यूज़ बता रहा चैनल? कभी नहीं बताएंगे। कोई उसका अच्छा काम भी बता रहे होंगे ना, लास्ट में एक नेगेटिव टच दे ही देते। ऐसे बताते हैं कि केजरीवाल ने खोला 1000 बच्चों का स्कूल। क्या केजरीवाल 1000 बच्चों के साथ बीजेपी ऑफिस में हमला करने वाला है? कैसे करेंगे बच्चे हमला? गीली रुमाले मारेंगे वहां जाके? पॉजिटिव साइड दिखाओ ना यार उस बंदे की। एक आम आदमी से सीएम बन चुका है वो, पूरी गोल्डन आर्मर, सरकारी नौकरी का गोल्डन आर्मर त्याग करके। कोई नहीं दिखाता, और सीएम भी नहीं बनाया वो, मोस्ट अप्रोचेबल सीएम बनाया वो। नहीं, आप खुद देखो, आप किसी और स्टेट में रहते हो, है कोई दिल्ली से बाहर का है आप में से कोई? यहाँ से दूर का कहाँ है? क्यों मैम आप? कैलकटा। आपको अगर वहाँ की सरकार से दिक्कत है और आपको आप किसी पॉलिटिशियन से भी मिलना हो, दीदी से छोड़ो कोई नहीं मिल पाता, बस किसी पॉलिटिशियन से मिलना हो आप मिल सकते हो, नहीं ना? और दिल्ली में लोग चांटे मार रहे हैं। देखा है इतना कनेक्टेड पॉलिटिशियन कभी? पहले ऐसे सीएम है पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया के जिन्हें 7 बार चांटे पड़े। 7 सारे देखे मैंने अलग अलग चैनल पे। जी न्यूज वाला सबसे तेज था, 7 चाटे। आप खुद सोचो यार, 3 बार सरकार बनाई है, 7 बार मुंह कि यार तुम मारते रहते हो। आप कोई भी फोटो देख रहे हो उनकी ना, लेफ्ट गाल सूजा रहता है क्योंकि राइट ही ज्यादा है ना दिल्ली में। 7 चाटे यार, और आप सारे चाटों का पैटर्न देखो ना एक बार। अच्छा हाँ सही में आप पैटर्न देखो, टाइमलाइन पूरी ट्रैक करो उसकी। हमें हर चार्टों के बाद एक चीज फ्री मिली है। दिल्ली वालों ने स्क्रैच कार्ड समझ लिया था। कि भाई ये तो गिफ्ट निकाल रहा है हर बार। देख दिखाऊं, बिजली फ्री, पानी, तभी तो मफलर ऐसे बांधते थे। कि गाल बचाता हूँ भाई पहले, गला तो विक्स खा के भी ठीक हो जाएगा। आप सोचो दिल्ली के अलावा है कहीं फीचर? ये आप नोएडा में बैठे हो, यूपी में तो आप सोच भी नहीं सकते। खुली आंखों से छोड़ो, बंद आंखों से नहीं सोच सकते। ऐसे आंख बंद करो और एक इमेज तैयार करो उनको चांटा मारने की। आप जैसे ही आँख खोलोगे पीछे 2 बंदे खड़े होंगे, फिर आपको एक वो अंधेरी जगह ले जाएंगे जहाँ आपका नाम बदल जाएगा। मुझे लगता है ना उनको इतने चार्टे इसलिए पड़ गए क्योंकि ना उन्होंने ना स्टार्टिंग से ऐसे खुद को एज एन आम आदमी प्रमोट करा है। और आम आदमी के साथ तो यही हो रहा है, चार्टे ही तो पड़ रहे हैं आम आदमी को। अगर वो खुद को एज एन IITian प्रमोट करते, खुद बोलते आके कि मेरी ये रैंक है वोट दो, कोई हिम्मत नहीं करता चार्टे मारने की, उल्टा अपने औलाद को मारते चार्टे की। देख सारे वो मफलर पहन के सीएम बन गया है तो अभी तक फिट जी में है 2 साल से, बट कोई दिखाता ही नहीं ये सच। क्रेडिट तो मिलने चाहिए उन्हें, देखो उन्होंने काम करा है। मैं दिल्ली से ही हूँ देखो, और बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का ही हूँ, और मैंने देखा उन्होंने थोड़ा एजुकेशन में तो काम करा ही है। है आप में से कोई दिल्ली से यहाँ पे? आप लोगों को देखा, आपको लगता है काम करा है ना? ऐसे मेरे घर के सामने गवर्नमेंट स्कूल था और 12 साल तक मुझे पता ही नहीं लगा वो स्कूल है। मुझे लगा सरकार ने ना शराबियों के लिए हैंग आउट एरिया बनाया जिसमें सुबह बच्चे यूनिफॉर्म आके पढ़ लेते हैं, यही लगता था मुझे, क्योंकि हर कुछ हो रहा था वहाँ पे पढ़ाई के अलावा। ऐसे हमारे मोहल्ले की सारी शादियाँ उसी स्कूल में हो रही है। मेरे पड़ोसियों ने उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस स्कूल में कराई थी, और उस बेटी ने स्कूलिंग भी वहीं से करी थी। सोच रहे हो आप, इतना ट्रॉमा लेके गई हो अपने दिमाग में, अपने बारात में, अपनी शादी में 2 चुटिया बना के गई थी। क्या उस दिन मैथ्स वाली मैम ने पकड़ लिया ना अगर?
तभी मैं मीडिया से ना खफा हूँ थोड़ा ऐसे। मैं किसी भी टाइप ऑफ मीडिया पे भरोसा नहीं रखता। इनफैक्ट मैंने तो अपना न्यूज़पेपर भी हटवा दिया घर का। एक तो ये दिक्कत है उनकी क्योंकि सच नहीं बता रहे, और दूसरी यार न्यूज़पेपर वाले की दिक्कत है ना मेरे, क्योंकि पहली चीज़ आती है मेरे घर में सुबह सुबह वो, और वही कोई फेंक के दे रहा बाहर से। ये संस्कार है क्या हमारे? इतना मोटा अखबार रोज फेंक के जाता है वो, ऐसे बैलकनी में उठाने जाओ लगता है आरडी शर्मा छोड़ गया आज। आज ये वाली सॉल्व करेंगे। एक हफ्ता हम घर में नहीं थे, बैलकनी में कोई उठाने नहीं गया, बैलकनी आगे को झुक गई। इतना वेट है उस अखबार में, उसके फेंकने से दिक्कत नहीं है। देखो मेरे को, मुझे पता है उस पर टाइम नहीं है, उसे आगे भी फेंकना हो कहीं, बट अंडर आर्म फेंकना। ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ मैं। मैं तो डर लगा रहता हमेशा। एक तो उतना पता नहीं क्या वो सुबह सुबह प्रोटीन बार खा के आता है, पूरा नीरज चोपड़ा की तरह जैवलिन बना के फेंकता है वो। अरे यहाँ मेरा बेड है और यहाँ बैल्कनी के शीशे लगे हुए हैं ना, तो 2 महीने से मैं हर हफ्ते एक एक शीशा टूटता हुआ देख रहा हूँ। हमेशा फटी रहता, कहीं मुंह पे आके ना लगे मेरे डायरेक्ट। वैसे कहते रहते हिंदू सो रहा है, हिंदू खतरे में। अभी जाग गया ना हिंदू, सुबह 5:30 बजे जागा हिंदू। अभी असली हिंदू खतरे में, वो भी किससे? द हिंदू से, जो मेरे मुंह की तरफ लॉन्च कर रहा है ना। देखा आपने द हिंदू अखबार? वो देखना आप कभी उसे, देखते डिप्रेसिंग सी वाई वाई कि इसमें कोई नेगेटिव न्यूज होगी यार पक्का। अभी एक पन्ना पलटते ही पता लग जाएगा जीडीपी कितनी कम हो रही है। और उसी अखबार की वैसी वाइब है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठाओ, पहला पेज देख के लगेगा मां जीडीपी। अब मुझे बिग बाजार का महाबचत ऑफर मिल गया, मेरी आगे की जिंदगी सफल है भाई। मैंने अपने पापा से पूछा कि आपने ये वाला अखबार क्यों लगवाया, तो कह रहे बेटा आईएएस की तैयारी शुरू कर दो। मैं, आपको पता है ना आपने मेरा फर्स्ट में भी एडमिशन डोनेशन देके कराया था। ऐसे औलादे कभी नहीं बनती आईएएस। एक भी स्किल नहीं यार मेरे अंदर आईएएस की। अगर मुझे सरकार ऐसे नायक मूवी की तरह एक दिन के लिए भी आईएएस बना दे ना, मैं उस दिन भी हाफ डे लेके घर आ जाऊंगा। मैं मिला क्या तुम्हें? फिर बाकी के हाफ में मैं न्यूज देती हूँ।